अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गूगल का एक ईमेल अकाउंट बनता है, जिसको हम जीमेल अकाउंट भी बोलते हैं। तो सिंपली आपको गूगल में जाना है, या माइक्रोसॉफ्ट है, जो भी आपके पास ब्राउजिंग वेब हो, वो जो भी हो, उस पर आपने जस्ट क्लिक करना है एंड सर्च कर लें आप क्रिएट जीमेल अकाउंट। क्रिएट जीमेल अकाउंट के यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है क्रिएट अ जीमेल अकाउंट, इस पर जस्ट क्लिक करें आप। उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब इस पर आपको रेड बॉक्स के अंदर लिखा हुआ नज़र आएगा क्रिएट एन अकाउंट, जस्ट क्रिएट एन अकाउंट को क्लिक करें और कुछ इस तरीके से आपके आगे इंटरफेस शो होगा। अब इसमें जो है आपको कुछ चीज़ें देनी है, अपने पर्सनल डेटा, जैसे कि नेम हो गया आपका, और दूसरा आपको पासवर्ड देना है। अब उसमें फर्स्ट नेम में आप अपना नेम लिख दें, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ शाहजेब, एंड देन आपको लास्ट नेम भी देना है, मैं लिख देता हूँ डहर, एंड देन यूज़र नेम। यूज़र नेम आपका ईमेल एड्रेस होगा जो आप देंगे, आपका यही ईमेल एड्रेस हमेशा के लिए यूज़ होगा। सिंपली मैं फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ शाहजेब डहर 011। अब ये आपने यूनिक देना है, ये ऐसा ना हो कि ऑलरेडी किसी का बना हुआ हो इसी यूज़र नेम के यूज़ करके। तो जस्ट आपको एक तरह से यूनिक आईडी देनी है अपनी, ताकि वो किसी और के पास ऐसा यूज़र नेम ना हो। तो मैंने दिया शाहजेब डहर 011। अब सिंपली मैं यहाँ पर पासवर्ड लगा दूँगा शाहजेब 1122। पासवर्ड आपने ऐसा रखना है जो आपको हमेशा के लिए याद हो। मैंने फिर से लगा दिया। अब दोनों पासवर्ड सेम होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं शाहजेब 112, शाहजेब 112। अब मैंने जस्ट नेक्स्ट को क्लिक करना है। आपने नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो ये आपसे कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा। कॉन्टैक्ट नंबर आप दें तो भी ठीक है, ना दें तो भी ठीक है, ऑप्शनल है। जस्ट कॉन्टैक्ट नंबर देना लाजमी इसलिए होता है क्योंकि आप अगर इन केस कोई पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो फिर क्या है कि आप इस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू जो है अपनी ईमेल आईडी रिकवर कर सकते हैं, वापस अपनी ईमेल आईडी पे लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। अब यहाँ पे जो है वो गूगल कोड की वेरिफिकेशन मांगेगा। जो आपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया उस पर आप चेक करें, आपको मैसेज आया होगा गूगल की तरफ से, वो आपने जस्ट उसमें कोड पुट करना है। अब मेरे पास जो आया है वो है 771698। वेरीफाई करें और इस तरीके से अब देखें आपके पास ईमेल मांग रहे हैं ऑप्शनल। अब ईमेल ऑप्शनल इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इन केस अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी याद नहीं है अपना और आपको पासवर्ड भी याद नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो सेकेंडरी ईमेल दिया आपने उसके थ्रू अपनी जो ओरिजिनल जो फर्स्ट आपकी ईमेल है आप उसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं, या आप इसमें अपनी प्रीवियस कोई ईमेल लगाएं तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी इशू नहीं है, आपका अकाउंट फिर भी बन जाएगा। तो सिंपली अब मैं डेट ऑफ बर्थ अपनी लगाता हूँ 09 अक्टूबर 2003, एंड देन सेलेक्ट योर जेंडर, आई सेलेक्ट योर मेल, क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब ये आपसे जो है गेट मोर फ्रॉम योर कॉन्टैक्ट नंबर, अब इसके थ्रू आपको ऑप्शंस बता रहे हैं कि आप कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप क्या क्या चीज़ें रिसीव कर सकते हैं, लाइक वीडियो कॉल एंड मैसेजेस वगैरह। तो मैं जस्ट क्लिक करता हूँ येस आई एम इन। अभी प्राइवेसी एंड टर्म्स, इट मीन्स कि आपको ये सारी चीज़ें बताया गया इस ईमेल के थ्रू आपको क्या क्या कर सकते हैं, या फिर ये ईमेल होगी आपकी किन किन चीज़ों के ऊपर एक्सेस करेगी। तो ये आप देख सकते हैं कंट्रोल वगैरह बता रहे हैं कि हम किन किन चीज़ों के ऊपर इस ईमेल के थ्रू कंट्रोल होगा, गूगल डेटा वगैरह जैसे लेता है। सिंपल मैंने आई एग्री पे क्लिक किया। अब ये देखें ये आपकी ईमेल बन गई सिंपल। अब इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहें अगर लाइक आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी, तो सिंपल ये आप देखें इसमें कैमरा शो हो रहा है, सिंपल इसको क्लिक करें, ऐड प्रोफाइल पिक्चर करें। अब इसमें कुछ इलस्ट्रेशंस गिवन है ऑलरेडी, और दूसरा फ्रॉम कंप्यूटर, इन केस अगर आप अपनी कोई अपनी पिक्चर पर्सनल लगाना चाहते हैं तो आप फ्रॉम कंप्यूटर में जाकर कोई भी क्लिक कर सकते हैं। लाइक मैं इलस्ट्रेशन से कोई भी क्लिक करता हूँ, कोई भी सिलेक्ट करता हूँ इनमें से, मैंने सिलेक्ट कर ली है ये। अब यहाँ पे आप आगे प्रीसेट वगैरह कोई भी सिलेक्ट करें, जो आपको कलर्स अच्छे लगें, अट्रैक्टिव लगें, आप वो चीज़ यूज़ कर लें। मैं ग्रीन यूज़ करता हूँ, तो ये नेक्स्ट, सेव एज अ प्रोफाइल पिक्चर, ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर सेव हो गई, ये देख सकते हैं आप प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो गई। अब एक आपको ये बॉक्स में ये चीज़ शो हो रही होगी, ये क्या है, ये एक्चुअली जीमेल जो आपने बनाई है वो किन किन चीज़ों के ऊपर एक्सेस करेगी, लाइक आपके गूगल सर्च, मैप्स, मतलब आप ये वाली ईमेल इन इन जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं, मैप्स में, यूट्यूब, प्ले स्टोर, गूगल न्यूज़, जीमेल, मीट, चैट, कॉन्टैक्ट्स, ड्राइव, कैलेंडर। ड्राइव की एक ये चीज़ को भी है कि अगर आप इनके कोई भी फोटोज़ वीडियोज़ अपने अपलोड कर दें तो वो परमानेंटली यहीं पे यहाँ पे सेव हो जाएंगी, डिलीट वगैरह नहीं होगी, चाहे आप मोबाइल चेंज करें डिवाइस अपना या लैपटॉप कुछ भी हो आपके पास, बट अगर आपने ड्राइव या फ़ोटोज़ के अंदर रखी हुई हैं
फोल्डर्स बना के अपनी पिक्चर्स, तो वो आपके लिए सेफ रहेंगी हमेशा के लिए, वो मिसप्लेस नहीं होंगी। और भी लाइक गूगल ट्रांसलेटर में यूज़ हो सकता है, कोई भी किसी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में, उर्दू में, तो वो भी आप इस ईमेल के थ्रू लॉगिन करके आप एक्सेस ले सकते हैं फ्री में। और तीसरा, ये आपको और चीज़ें मिल गई लाइक ब्लॉगर, स्लाइड्स, शीट्स, फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स, हैंगआउट्स, ये सब चीज़ें जो है आपको एक ही ईमेल के थ्रू लॉगिन आपको मिल सकती है। गूगल क्लासरूम भी आ जाते हैं और भी बहुत कुछ। तो आज का बस यही था कि ईमेल अकाउंट कैसे बनता है। आई होप कि आप लोगों सब लोगों को समझ आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं।